या रसूल अल्लाह करम, या हबीब अल्लाह करम, या नबी अल्लाह करम, या रसूल अल्लाह करम, या हबीब अल्लाह करम, अल्लाह करम। सबसे औला वो आना हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे औला वो आना हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, या रसूल अल्लाह करम, या हबीब अल्लाह करम, या नबी अल्लाह करम। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धो जाने मसीहा हमारा नबी, या रसूल अल्लाह करम, या हबीब अल्लाह करम, या नबी अल्लाह करम। वो पीछे वाले भाई लगता है कि थोड़े थके हुए हैं, बैठ बैठ के आप थक गए हैं, तो इसलिए पीछे वाले भाइयों से ख्वाहिश की जाती है कि वो नहीं थके, इस बात के इजहार के लिए झूम झूम कर हमारे साथ पढ़े, या रसूल अल्लाह करम, या हबीब अल्लाह करम, या नबी अल्लाह करम। सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे, है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। आप भी मिलके बोले सरकार की मोहब्बत में, सारे अच्छों से अच्छा समझे जिसे, है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों से समझे जिसे, है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, या रसूल अल्लाह अल्लाह करम, या नबी अल्लाह करम, या रसूल अल्लाह करम, या हबीब अल्लाह करम, या नबी अल्लाह करम। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया,
الخلق سے اولیاء اولیاء سے رسل الرسولوں سے थोड़ा और इंशाअल्लाह ताला आप मसरूर होकर पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि देखने वाले को महसूस हो जाए कि ये सारे के सारे बैठने वाले अपने आका की मोहब्बत में तड़प रहे हैं। अगर इस तरह का इजहार होगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरे आका अली सलात व सलाम की नवाजिशात व इनायात भी हम पर ज़रूर ब ज़रूर होगी।
नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने शेखुल इस्लाम, सदाए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शेखुल इस्लाम। हमारे मोहतरम फैजू भाई साहब ने ख्वाहिश की है कि वो नाते पाक फिर एक बार सुनाएं जो गुज़िश्ता साल इसी स्टेज से इसी मुकाम से सुनाई गई थी, जो हज़रत अमजद हैदराबादी साहब क़िबला की लिखी हुई नाते पाक है, जो ख़ुसूसन माओं को अपनी औलाद की तरबियत के लिए उन्होंने उसको लिखा है लोरी के तौर पर। तो सभी हजरात भी साथ दें, इंशाल्लाह सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह 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 नौज़ बिल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर के उस्ताद हैं, नौज़ बिल्लाह बाज़ लोगों का ये अकीदा है। तो इसीलिए अमजद हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि जो उस्ताद होता है वो झूला नहीं देता, बल्कि झूला वो देता है जो खादिम होता है। जिब्रील आए झूला झूलाने, झूला झूलाने लोरी दे
इस नाते पाक को लिखते वक्त उन्होंने खुसूसी तौर पर इस बात को तवज्जो रखा है कि ये नाते पाक बिलखुसूस माँ अपने बेटों को जब नींद की आगोश में ले जाना चाहती है, उन्हें सुलाना चाहती है, तो इधर उधर के गाने गाकर, बदबख्ती बातें सुनाकर, दीवानी अंदाज की कहानियाँ सुनाकर, या टीवी के सामने दिखाकर, या बुड्ढा रहा चोर आ रहा बल्कि डरा कर अक्सर माएँ अपने बच्चों को सुलाती हैं। तो देखा कि भाई बच्चा जब जैसी बातें सुनता है तो उसके अंदर वैसी ही कैफियतें पैदा होती है, वो बुजदिल बन जाता है। तो अगर उसको ये बातें सुनाने के बजाय अगर सरकार की शान और अजमत जो है सुना दी जाए तो वो माँ की गोद से ही आशिक़ रसूल बनकर बड़ा होता है। तो इसलिए अमजद हैदराबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारी बात फरमाई है। देखिए, बच्चा अभी अभी आँख खोलने के मौक़िफ़ में नहीं है, उस वक्त उसके जहन में ये बात डाली जा रही है। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ये नाते पाक, ये लोरी अपने घर में ख़वातीन को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सिखा दें, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को सिखा दें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर में, हमारे औरतों की गोद में पलने वाला बच्चा भी सिर्फ बड़ा ही नहीं होगा बल्कि बड़ा आशिक़े रसूल भी बनेगा और सहीउल अकीदा कट्टर मुसलमान बनेगा। देखिए क्या प्यारी बात है अकीदे की। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे माहे नुबुवत महरे रिसा
इल